हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आज हम बात करने जा रहे केरल राज्य के स्वर्ग सा दिखने वाला खूबसूरत हिल स्टेशन और जिसे कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि मुन्नार के बारे में, जो अपने चाय के बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत फेमस है। तो दोस्तों, मुन्नार टूर रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताई जाएंगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं मुन्नार के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स कौन से हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। मट्टुपट्टी डैम मुन्नार के प्रमुख आकर्षणों में से एक। एम डैम बहुत ही खूबसूरत है। ए डैम मुन्नार क्षेत्र का प्राइमरी सोर्स है जो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। अगर आपके किस्मत ने साथ दिया तो आप यहाँ एशियाई इलेफेंट्स देख सकते हैं, जो यहाँ पर पानी और भोजन के तलाश में आते हैं। कुंडला लेक खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों स्थित यह आर्टिफिशियल झील मुन्नार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है तथा ये झील अपने सुंदरता के लिए जाना जाता है। पानी के स्रोत के रूप में 1700 मीटर के ऊंचाई स्थित ये झील अपनी मनमोहक सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती है। कुंडला झील में आप नाव पर बैठकर आरामदायक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ कुंडला झील के आसपास के पहाड़ियों पर आप नीलकुरंजी फूल को भी देख सकते हैं, जो कि 12 साल में एक बार खिलता है। टॉप स्टेशन यदि आप मुन्नार में पश्चिमी घाटी के मनोरम दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं और मुन्नार की कुछ घाटियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको मुन्नार में टॉप स्टेशन जरूर जाना चाहिए। ये मुन्नार से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके साथ आप टॉप स्टेशन के पास में स्थित नीलकुरुंजी भी जा सकते हैं। यहाँ 40 से भी ज्यादा फूलों का नज़ारा देखने मिल जाएगा, जिसमें ज्यादा नीले रंग के फूल आपको दिखेंगे। इसी कारण से इसको नीलकुरुंजी कहा जाता है। इको पॉइंट अगर आप मुन्नार में बहुत ही आश्चर्यकारक जगह की खोज में है तो दोस्तों इको पॉइंट आपको जरूर जाना चाहिए। इको पॉइंट मुन्नार में घूमने के लिए सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। यह इको पॉइंट एक खूबसूरत ही सुंदर झील के किनारे है। इसके आसपास आपको चाय, कॉफी और मसालों की बागान देखने को मिल जाएंगे। इस इको पॉइंट पर आप बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे बोटिंग, पहाड़ की चोटी का अट्रैक्ट कर सकते हैं। एराविकुलम नेशनल पार्क 97 स्क्वायर किलोमीटर में फैली एराविकुलम नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। ये मुन्नार से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राकृतिक तथा वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये नेशनल पार्क बहुत ही बेहतरीन जगह है। ये नेशनल पार्क अनामोडी चोटी पर स्थित है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अट्टुकड़ वाटरफॉल केरल के इडुक्की जिले में मुन्नार और पल्लीवसल के बीच में स्थित अट्टुकड़ वाटरफॉल वास्तव में पूरे केरल राज्य में बहुत खूबसूरत झरनों में से एक है। हरे भरे और सदाबहार जंगलों के बीच स्थित ये वाटरफॉल बहुत खूबसूरत दृश्य प्रदान करता है। ब्लॉसम इंटरनेशनल पार्क अगर आप मुन्नार गए हैं और ब्लॉसम इंटरनेशनल पार्क नहीं गए हैं, तो दोस्तों मुन्नार जाने का आपका कोई मतलब नहीं है। इस पार्क में दुर्लभ तथा विदेशी फूलों का जमावड़ा है। ये पार्क 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क में आप बहुत सारे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे बोटिंग, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, एडवेंचर ट्रेल्स, रोलर स्केटिंग तथा और भी बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। लक्कम वाटरफॉल मुन्नार से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्कम वाटरफॉल टूरिस्ट के लिए सुकून और आकर्षण का केंद्र है। मुन्नार में घूमने के लिए ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है और अपने सुंदरता और सदाबहार नेचर के लिए प्रसिद्ध है। अनामुदी ये एक अद्भुत और ऊंची चोटी है जो बादलों को छूती है। अनामुदी चोटी 8842 फीट ऊंची है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में प्रसिद्ध है। इस चोटी को एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। अनामुदी पीक एक हाथी के सिर से बहुत मिलता जुलता है, जहां इसकी खड़ी और उपड़ खाबड़ पगडंडियां रोमांचक चाहने वालों को आकर्षित करती है। इसके साथ साथ आप रोज गार्डन भी जा सकते हैं, जहां बहुत सारी फूलों का नजारा और हरी भरी घास का नजारा देखने को मिलेगा। टाटा टी म्यूजियम चाय के शौकीन लोगों के लिए ये म्यूजियम बहुत ही फेमस है।
तो दोस्तों ये थी मुन्नार के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों मुन्नार के प्राकृतिक सुंदरता का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ टूरिस्ट और ट्रैवल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।